family discussion. Me Anushka here to discuss the first chapter of Hindi. Now today in this discussion I will be speaking in Hindi. So let's begin. बात अठन्नी की. यहाँ पर एक इंजीनियर बाबू जगत सिंह और रसीला एक नौकर, इन दोनों के बारे में है. तो अगर आपको उन दोनों के बारे में जानना है तो आपको पूरा वीडियो अच्छे से बिना स्किप किए देखना होगा, तभी आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा. तो हम शुरू करते हैं. रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था. यह मालूम है कि वो एक नौकर था और उसको जो था उसको 10 रुपया वेतन मतलब सैलरी मिलता था. और उसके घर में उसके जो परिवार वाले थे सब गांव में रहते थे. और उसके गांव में जो परिवार थे उसमें एक बूढ़ा पिता था, एक पत्नी थी, एक लड़की थी और 2 लड़के थे. और इन सबका भार उसी के कंधों पर था, मतलब इन सबका जो बोझ था वो उसी के कंधों पर था. और उसको जो 10 रुपये वेतन मिलता था उसी से उन्हें गुजारा करना पड़ता था. बट वो उस पैसों से गुजारा नहीं कर पाते थे. तो एक दिन रसीला क्या किया, अपने मालिक के पास गया जो इंजीनियर बाबू थे, उसके पास जाकर पैसा बढ़ाने के बारे में कहा. तो ये जो इंजीनियर बाबू थे इन्होंने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि अगर तुमको इससे भी अच्छा नौकरी कहीं मिल जाए या ज्यादा पैसा मिले तो तुम वहां बेशक जा सकते हो, लेकिन मैं पैसा नहीं बढ़ाऊंगा. मतलब जगत सिंह जो थे इंजीनियर बाबू वो पैसा नहीं बढ़ाएंगे करके उन्होंने मना कर दिया. फिर रसीला ने सोचा कि जब उसके इंजीनियर साहब ने कह दिया था कि वो पैसा नहीं देंगे बट अगर उसको अच्छा काम कहीं मिल जाए वो जा सकता है बेशक, लेकिन फिर रसीला ने सोचा कि भले ही उसको अगर अभी यहाँ 10 मिल रहा है तो जहाँ वो जाएगा वहाँ 15 या 20 रुपये भी वेतन मिल जाएंगे, लेकिन उतना इज्जत उतना रेस्पेक्ट जो यहाँ मिलता है वो शायद से वहाँ ना मिले. तो इसलिए उन्होंने ये बात को टाल दिया. फिर जो है जिला मजिस्टर शेख सलामुद्दीन, वो इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे, उनका एक चौकीदार था मियाँ रमजान, जो जिसका रसीला के साथ बहुत ही अच्छा मित्रता था. मतलब वो बहुत ही ज्यादा अच्छे और क्लोज फ्रेंड्स थे. वो लोग घंटों बैठकर बात करते थे. और रसीला के जो मालिक थे, ये रसीला के जो मालिक थे इंजीनियर बाबू जगत सिंह, उनको मिठाइयों का शौक था. तो रसीला रमजान को मिठाई देता और रमजान के जो मालिक थे शेख सलामुद्दीन वो फलों के शौकीन थे. तो रमजान रसीला को फल देता. तो ऐसे उनका ये चलता था और वो बहुत ही अच्छे दोस्त थे, इससे हमें ये चीज से पता चलता है. फिर एक दिन क्या हुआ, रसीला बहुत उदास बैठा था. तो उस रसीला को देखकर रमजान ने कारण पूछा. तो रसीला चुपचाप बैठा रहा, रसीला ने कुछ भी नहीं कहा. फिर से जब रमजान ने रसीला को पूछा तब भी उसने नहीं कहा. जब रमजान ने रसीला को सौगत दे दी तब रसीला ने कहा कि उसके बच्चे बीमार है और उसे कुछ पैसे चाहिए. तो रमजान ने सजेस्ट किया कि वो जाकर अपने मालिक को बोले, रसीला अपने मालिक को बोले कि पैसा चाहिए और पेशंकी चाहिए ताकि वो अपने बच्चों के इलाज के लिए यूज कर सके. बट फिर रसीला ने कहा कि हमारे जो मालिक है उन्होंने तो मना कर दिया पैसा देने से. रमजान चुपचाप थोड़ी देर खड़ा रहा वहां और फिर वो अपने हट में गया और कुछ पैसे लाकर रसीला के हाथों में थमा दिया. रसीला उस पैसों को लेकर अपने घर गया, अपने गांव भिजवाया और जिससे उनके बच्चों का ट्रीटमेंट हुआ और वो लोग स्वस्थ हो गए. जैसे ही वो स्वस्थ हुए तो उसके बच्चे सारे जो भी थे जिनको बीमारी हुई थी, जो भी बीमारी हुई थी वो ट्रीटमेंट के थ्रू सब अच्छे हो गए थे और लोग स्वस्थ हो गए थे. और फिर रसीला ने जो रमजान को सारे अपने जितने भी रितून थे, जितना भी पैसा उसने लिया था वो सब लौटा दिया, लेकिन सिर्फ 8 आने बच गए थे, 8वीं बच गई थी. बस उसको उसे लौटाना था और उसको लौटाने के लिए वो बहुत सोचता था. फिर लास्टली उसने ये भी ठान लिया था कि जब उसे उसकी सैलरी मिलेगी तो उसमें से वो 8वीं रमजान को लौटा देगा. लिखा है एक दिन की बात है जब बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे. रसीला ने सुना और इंजीनियर बाबू कह रहे थे बस 500 इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं. फिर दूसरे व्यक्ति ने कहा हुजूर मान जाइए आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त में किया है. तो यहाँ पर इन बातों को रसीला सुनकर उसे इतना तो मालूम पड़ गया, पता चल गया कि अंदर रिश्वत ली जा रही है. वो बाहर आया और रमजान को सारी बात बताई. तो रमजान ने कहा कि बस इतनी सी बात, और उसने ये कहा कि उसके जो मालिक थे शेख साहब जो थे वो तो उससे भी बड़े वाले गुरु थे, उनके भी बड़े गुरु थे, मतलब वो तो और भी ज्यादा रिश्वत लेते थे करके कहा गया था यहाँ पर. फिर रसीला ने कहा भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसे ही कमाई से कोटियों में रहते हैं और हम
और एक हम है कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं आता। वो यहाँ कह रहा है कि ऐसे ही करके वो लोग कोटियों में रहते हैं और हम लोग जो पूरा एक महीना काम करते हैं उसके बाद जाके हमारे हाथ कुछ लगता है, और वो भी बहुत कम होता है, जिससे हम अपने परिवार का गुजारा नहीं कर पाते हैं। इतना बोलकर वो चुप हो गया। फिर रसीला सोचने लगा कि मेरे हाथों इतने सैकड़ों रुपए आए, मतलब जो वो अपने मालिक का कुछ भी काम करते तो उसके हाथों में पैसे लगते थे और कितने पैसे आते थे, तो वही सोचा कि मेरे हाथों इतने सैकड़ों पैसे आए, अगर मैं सब में से थोड़ा थोड़ा करके भी ले लेता तो मालिक को तो पता नहीं चलता और मेरे पास भी बहुत सारे पैसे हो जाते, उसने यही कहा। फिर इतने में ही जब वो इतना ही बोले तो फिर उसने कहा एक एक आने जोड़ के तो वो कर सकता है बहुत सारा पैसा, ये जोड़ के मतलब वो भी बहुत ये कर सकता है, कमाई कर सकता है उन पैसों से। फिर उसी वक्त इंजीनियर बाबू ने रसीला को बुलाया, आवाज देते हुए कहा, रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई लिया। उसने जब सुना उसको बुलाया रसीला को इंजीनियर बाबू ने, तो रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई, उसने वो सोचा कि वो 4.5 रुपए की मिठाई लाएगा और अठनी जो है वो रमजान को लौटा देगा, ये सोचकर उसने वही किया और वो मिठाई वाले हलवाई वाले के पास गया, 4.5 रुपए की मिठाई लाई और रसीला ने बाकी अठनी अपने पास रखी ताकि वो बाद में रमजान को लौटा सके। फिर वो इंजीनियर साहब के पास गया और वो मिठाई दी। अब इंजीनियर साहब को जब उसने मिठाई दी तो इंजीनियर साहब को थोड़ा डाउट हुआ, थोड़ा शक हुआ उसके ऊपर कि, और उसने उसे पूछा कि क्या ये 5 रुपए की मिठाई है, तो रसीला ने कहा कि हाँ ये 5 रुपए की मिठाई है, बिना घबराया कुछ। दूसरी बार जब इंजीनियर बाबू ने पूछा तब रसीला के मतलब वो थोड़ा घबरा गया और तब भी वो घबराहट में कहा कि वो 5 रुपए के है। तभी इंजीनियर साहब ने उसे एक तमाचा लगाया और फिर उसे बोला कि चल हलवाई के पास और वहीं पे सच उगलना, वही सच पता चलेगा करके। आधी रास्ते में नहीं गया था कि वहां पर रसीला ने अपना सच उगल दिया, अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उसने बोला कि हाँ मैंने चोरी किया था, बट उसने कहा कि ये मेरा पहला टाइम है माफ कर दो। बट फिर भी ये इंजीनियर बाबू ने नहीं सुना और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारा और फिर खींचते हुए पुलिस के पास ले गया। जब वो पुलिस के पास ले गए और उन्होंने सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखा और कहा कि मनवा लेना, और फिर उन्होंने क्लाइंट कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। दूसरे दिन मुकदम शेख सलामुद्दीन के कचहरी में पेश हुआ। यहाँ पर रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया, यहाँ पर वो आते ही अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना नहीं किया, कोई भी बहाना नहीं किया, वो चाहता तो कह सकता था कि ये एक साजिश है और मैं नौकरी नहीं करना चाहता इसलिए हलवाई के साथ मिलकर मुझे फंसा रहे, बट उसमें उतना गट्स नहीं था, उतना करेज नहीं था, वो उतना जुट नहीं पाया और एक अपराध करने में उसको ये नहीं हुआ, वो उतना ऑनेस्ट नहीं था कि दूसरा अपराध कर सके। उसके बाद क्या हुआ, उसने वहां पे सच तो उगल दिया था। फिर ये जो शेख साहब थे बहुत ही नए प्रिय आदमी थे, तो इन्होंने अपना फैसला सुना दिया। इन्होंने कहा कि रसीला को 6 महीने की सजा मिलेगी। और उसके बाद शेख साहब जो थे वो एक रुमाल से अपना मुंह पोछते हैं और वो वही रुमाल है जिसमें एक दिन पहले किसी ने उनको 1000 का नोट पकड़ दिया था, उस ये में लपेट कर, उस रुमाल में लपेट कर। फिर फैसला सुनाने के बाद जो रमजान था, रमजान बहुत ही उसके आंखों से खून उतर आ रहे थे, मतलब वो बहुत गुस्से से मतलब उसके आंख से खून उतर आते, गुस्से में था वो। और फिर वो सोचने लगा कि ये जो दुनिया है ये नाय नगरी नहीं है, ये अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया और असली अपराधी बड़े बड़े कोटियों में बैठकर दोनों हाथ से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। तो वो यहाँ कह रहा है कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो लोग रिश्वत लेते हैं और कितने बड़े बड़े अपराध करते हैं, बट उन्हें कोई नहीं पकड़ता, वो लोग कोठियों में बैठकर अपना आराम की जिंदगी जीते हैं, बट ये एक नौकर जो बस अठनी के लिए उसे 6 महीने की जेल कैद सुना दी गई थी। फिर वो अपने घर जब पहुंचा तो एक दासी ने पूछा कि रसीला का क्या हुआ, तभी रमजान ने कहा कि रसीला को 6 महीने की कैद सुना दी गई। तब ये दासी ने कहा कि अच्छा हुआ वो उसी लायक था, तो ऑलरेडी रमजान बहुत गुस्से में था क्योंकि उसका मित्र जो था वो जेल में कैद हो गया है और वो भी छोटी गलती के लिए, क्योंकि वो अठनी चुरा लिया था, चुराया नहीं था बट वो उसे लौटाने के लिए उसने थोड़ी पैसों के बीच ये की थी, तो उसने कहा उसे गुस्से में कि ये इंसाफ नहीं अंधेर है, सिर्फ एक अठनी की ही तो बात थी, वो कह रहा था कि सिर्फ अठनी की तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठनी का चोर जेल की तंग अंधेर कोठरी के पीछे ये में मतलब
पछता में रहा पछता रहा था वो कोटरी के ये में। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिन्हें इतना चोर वोर मतलब ये रिश्वत लेके जो चोरी करते हैं, रिश्वत लेना तो गुनाह होता है, इतना बड़ा बड़ा अपराध करते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग नरम गद्दों पर मीठी नींद लेते हैं। लेकिन जो अठनी का चोर है, अठनी का चोर मतलब रसीला जो है, वो अभी पछता रहा है जेल के अंदर सिर्फ अठनी चुराने के लिए। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। और अगर आपको ये पूरा आपको समझना ज़रूरी है, तो आपको अगर पूरा समझ में आया, तो आप अगर भी कुछ आपको डाउट रह गया, आप समझ ना पाए, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लेटेस्ट वीडियोज़ चाहिए हमारे, तो जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।